बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन में अपनी मांगों को लेकर बातचीत के लिए पहुंचे मजदूरों पर लाठीचार्ज की घटना सामने आई है, जिसमें दर्जनों मजदूर घायल हो गए हैं। इसमें महिला मजदूर भी शामिल है। घायल मजदूरों को सदर अस्पताल बोकारो में भर्ती करवाया गया है। दरअसल शनिवार शाम पूर्व मंत्री केन्द्र त्रिपाठी, मजदूर नेता और काफी संख्या में मजदूर अपनी मांग को लेकर पहुंचे थे, तभी सीआईएसएफ के जवानों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के घंटों बाद बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन उन्हें वार्ता के लिए बुलाए, लेकिन मजदूरों के हित में कोई नतीजा नहीं निकला। वार्ता से निकलने के बाद केएन त्रिपाठी सदर अस्पताल पहुंचकर घायल मजदूरों का हाल चाल जाना, फिर सिटी थाना पहुंचकर लाठीचार्ज करने के मामले में सीआईएसएफ पर मामला दर्ज कराया है। केएन त्रिपाठी ने कहा कि माइंस में 2700 मजदूर काम करते थे, जिसमें से 700 मजदूरों को बीएसएनएल ने भुगतान किया है और बाकी 2000 मजदूरों को भुगतान करने से स्टील प्लांट प्रबंधन आनाकानी कर रहा है। चार्ज के बाद बात का मतलब ये हो सकता है कि प्रबंधन को ये लग रहा हो कि भाई पहले 20 लाठी से स्वागत करो, इसके बाद बात करो, ताकि डेमोरलाइज रहें और बात ना हो। लेकिन उनको 2500 मजदूर जब जहां काम किए हैं, तो आप 700 मजदूरों को पैसा दे करके नहीं भाग सकते। आपको सबको पैसा देना ही होगा, सबको सेटलमेंट करना ही होगा। आपने कुछ मजदूरों को फॉर्म बी में नाम लिखा, कुछ मजदूरों को आपने रजिस्टर में नाम लिखा, आपके लोग वहाँ पे रजिस्टर छुपा लिए। मजदूरों को जब एविडेंस है कि वो आपके यहाँ काम किए हैं, उनके पास एविडेंस है, तो आपको पैसा देना पड़ेगा।